बिस्मिल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज संडे है, 11 तारीख है आज, और आज सुबह पीपीएससी का जो है वो एक काफ़ी पुरानी पोस्ट थी जिसका पेपर जो है वो पीपीएससी ने कंडक्ट किया। इसका केस नंबर था 112G 2020 112G 2020 चीफ ऑफिसर या म्यूनसिपल ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ये सीट थी। मॉर्निंग में 11 बजे ये पेपर कंडक्ट हुआ। इसका जो सिलेबस था वो इस तरह से था कि 50% जनरल नॉलेज था, 20% इंग्लिश था, और 30% जो है वो MBA, MPA यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सो हमारे पास जीके वगैरह के और बाकी क्वेश्चंस इंग्लिश के मौजूद हैं। जो बाकी 30% जो है MBA, MPA वाला, वो पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, तकरीबन 54 के करीब मेरे पास क्वेश्चन हैं, 53 या 54। अब ये मुझे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले हैं, बाज़ अवकात क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पूरी नहीं मिल रही होती, तो जैसा मौजूद है जिन लोगों ने पेपर दिया हो वो लोग करेक्ट भी कर दीजिएगा अगर कहीं पे कोई गलती का चांस है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जमाल अब्दुल नासिर वॉज दी प्रेजिडेंट ऑफ, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जमाल अब्दुल नासिर से के हवाले से जो है वो पहले भी क्वेश्चन आता रहा है। जमाल अब्दुल नासिर जो है वो फॉर्मर प्रेजिडेंट है मिस्र के, इजिप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA लेफ्ट अफगानिस्तान इज, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को लीव किया आफ्टर जो भी अफगान वॉर जो चल रही थी, अमेरिका जो है वो जंग लड़ रहा था 2021 में। नेक्स्ट है जी, माउंट लोगन इज लोकेटेड इन, माउंट लोगन जो है वो कैनेडा की सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड हाइएस्ट है नॉर्थ अमेरिका की, और ये माउंट लोगन जो है वो कैनेडा के अंदर मौजूद है, सबसे ऊंची चोटी है कैनेडा की। कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज तबलिजी, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, विच वॉज द सेकेंड कंट्री टू सेंड रोबोट टू मार्स, यस शायद इस तरह से आया होगा कि अमेरिका के अलावा और कौन सा मुल्क है जिसने मरीख पे जो है वो रोबोट मिशन सेंड किया है, तो उसमें चाइना भी है, तीन ममालिक हैं अभी तक के, उसमें एक चाइना भी है मुल्क, बहरहाल आप लोग इसको कन्फर्म कर लीजिएगा एक मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इसराइल, तो दुनिया में इस वक्त जो है वो तकरीबन 9 ममालिक हैं जो कि एटमी ताकत हैं, जिनमें इसराइल भी शामिल है, जिनमें नॉर्थ कोरिया भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, तो टोटल 9 ममालिक हो जाते हैं, रशिया भी है उसके अंदर, 9 ममालिक टोटल हैं जनाब जो कि एटमी ताकत हैं दुनिया में। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एब्रोगेटेड बाय मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 2017 विच कंट्री हैज डिक्लेयर टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो उस मुल्क का नाम है बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 KB, 1024 KB जो होते हैं तो उनको हम 1 MB कहते हैं, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह से पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ, तो स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ रॉक एंड देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो रॉक्स की स्टडी जो है वो आप गूगल पे सर्च भी कर लें तो पेट्रोलॉजी बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ अर्थ जो है वो जियोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड फॉर्मेशन जो है वो पेट्रोलॉजी होती है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, ये आपको पता होगा, करंट जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह है, किसी ने क्वेश्चन शेयर किया था उसके अंदर ये था तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट विजुस, तो ये जनाब एक वोल्केनो है इटली के अंदर, इसकी लोकेशन अगर पूछी गई है तो मुल्क इटली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू ट्रैवल टू स्पेस, तो उस खातून का नाम वैंग यैपिंग है, फर्स्ट वुमेन, चाइनीज वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस। ग्रामीण बैंक जिसे बैंक ऑफ पुअर भी कहा जाता है, वाज फाउंडेड बाय, तो ये ब्रेन चाइल्ड था, जो इख्तरा थी वो डॉक्टर यूनुस की थी, डॉक्टर यूनुस वो जो माहिर मवेशियात हैं बांग्लादेश के, और आजकल जो बांग्लादेश के अंदर अबूरी हुकूमत बनी है उसके वो चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर यूनुस, नोबेल इनाम याफ्ता हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इकनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फर्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इंक्लूड कर लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की JWT की एक बुक है, उसके अंदर जनाब ना उन्होंने लिखा हुआ है कि पहली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है उसके अंदर भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उनके अंदर इंट्रो के अंदर ये लिखा हुआ है, वुड्रो विल्सन ने पहली किताब, उसको कंसीडर किया जाता है कि वुड्रो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर पहली किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ एप्पल, तो एप्पल के फाउंडर के अंदर स्टीव जॉब्स भी हैं,
और दूसरे जो शेयरिंग थे वो उनका नाम है जनाब स्टीफन वॉजनैक, ये को-फाउंडर थे। अगर सीईओ पूछा गया है तो स्टीव जॉब्स जो थे, आजकल सीईओ नहीं है एप्पल के, वो फॉर्मर सीईओ है अभी, करंटली टिम कुक जो है वो सीईओ है एप्पल के। सो जिस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको बता दिए, फाउंडर दो थे स्टीव जॉब्स के साथ, स्टीफन वॉजनैक भी को-फाउंडर थे एप्पल के, और करंटली जो सीईओ है वो टिम कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक मूवमेंट, तो निकोलस कोपरनिकस स्टार्टेड द साइंटिफिक मूवमेंट। तो ये जनाब आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे, आप ये सेम स्टेटमेंट लिखें तो आपको वो बता देगा कि निकोलस कोपरनिकस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगुलर ऑफ वर्ड, ये उर्दू का वैसे पूछा गया था, नजूम का वाहिद पूछा गया था, सो नजम होना चाहिए इसका, बहरहाल इसको कन्फर्म कर लीजिएगा, नजम की जमा नजूम होती है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय हफीज जालंधरी, तो हफीज जालंधरी की कौन सी, यानी कोई भी शायर होता है तो उसका एक मजमूआ कलाम भी होता है, सो वो पूछना यहाँ पे ये चाह रहा है कि नेशनल एंथम क्योंकि हफीज जालंधरी ने लिखा है, तो हफीज जालंधरी की कौन सी बुक के अंदर ये नेशनल एंथम मौजूद है, तो चराग़े सहर है किताब का नाम जिसके अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना जो है मौजूद है। हयात सादी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा पहले, इज रिटन बाय मौलाना अल्ताफ हुसैन आली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ ईयर ऑफ इमाम निसाई, तो इमाम निसाई का जो तारीख पैदाइश है, या तारीख यानी तारीख तो नहीं कहना चाहिए, सन पैदाइश जो है वो 214 हिजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स एंड एयरशिप्स, ये प्रीवियसली भी पूछा जाता रहा पीपीएससी के पेपर्स के अंदर, हीलियम गैस जो है वो होती है बैलून्स और एयरशिप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, वो पौधे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं, पैरासाइट्स भी कहते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स से मुराद ये है कि जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो वो उनको नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं, पैरासाइट्स भी एक टर्म है। नेक्स्ट है जी, डायनासॉर्स आर फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो डायनासॉर्स जो है वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड इज अप, तो आपको ऑप्शंस मुख्तलिफ दिए गए होंगे, एम एस वर्ड जो है आपको पता ही है कि वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड जब आप ऊपर जो फॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं वो आप देखें तो वो ऊपर से शुरू हो रहा है और वो तकरीबन 72 तक अवेलेबल होता है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि एक कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा, एम एस वर्ड के अंदर एक कैरेक्टर पे सबसे ज़्यादा आप हाईएस्ट जो फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं वो कितना है, तो वो 1638 होता है। सो 1638 तक ये फॉन्ट साइज जा सकता है। सो दोनों मैंने आपको बात बता दी, अब पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था ये जिन लोगों ने पेपर दिया वो लोग बता देंगे कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ पेंसिव, तो पेंसिव का सिनोनिम जो है वो थॉटफुल हो सकता है, बाकी मुख्तलिफ तरह के सिनोनिम्स इसके, एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे मेंशन कर दिया, थॉटफुल हो सकता है। डैश टू ब्रिंग इंटरनेट इन शिमशाल वैली, तो शिमशाल वैली के अंदर इंटरनेट जो है वो एक कंपनी है SCO, जिसने कह लें कि पेड़ा उठाया कि वो इस वैली के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी लेके आएंगे, 4G फैसिलिटी लेके आएंगे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। नेक्स्ट है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, एक शख्स जो खुदा के होने पे यकीन नहीं रखता उसे एथिस्ट कहते हैं। ये प्रीवियसली भी क्वेश्चन आता रहा है पीपीएससी के पेपर्स के अंदर, मुख्तलिफ दूसरे डिपार्टमेंट्स के पेपर के अंदर भी ये आता रहा है, एथिस्ट बोलते हैं इसको। फोर्थ जो एडिशन था पीएसएल का 2019 में, वो किस टीम ने जीता था, तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगोर्नो काराबाग इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन, तो ये आपको पता होगा आज से 2-3 साल पहले, तो ये आजरबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान ये काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और नगोर्नो काराबाग एक इलाका है जिसके ऊपर दोनों ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि हमारा हक है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ताल्लुकात कशीदा भी हुए थे और हालात काफ़ी ख़राब भी हुए थे। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आता रहा है पेपर्स के अंदर, आजरबाईजान और आर्मेनिया इसका दुरुस्त जवाब है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो शहर है वो टोक्यो शहर है, सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है, जापान का कैपिटल, एशिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर। टोटल नंबर ऑफ वार प्रिजनर्स कैप्चर्ड बाय बांग्लादेश, आई थिंक ये बात जो है वो 1971 की हो रही होगी जब जंग हुई थी,
तो बांग्लादेश ने सारी बातें कुछ लोग कुछ पाकिस्तानी सिविलियंस को और दीगर अफराद को जो है वो एज जंगी कैदी जो है वो कैप्चर कर लिया था, जो कि जेलों में रहे वहाँ पे। तो उनकी तादाद तकरीबन 90,000 और 90,000 प्लस ही बताई जाती है, मुख्तलिफ तारीख की किताबों में मुख्तलिफ मिलती है, तकरीबन 90,000 उसकी तादाद है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट रुकन ऑफ इस्लाम या फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, दैट इज़ तौहीद, अल्लाह के एक होने पर यकीन रखना या अल्लाह के एक होने की शहादत देना, तौहीद या शहादत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द सेफ यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे जो है गीगर काउंटर भी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शंस आर हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर, तो ये क्वेश्चन किसी ने शेयर किया हुआ था, पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वैसे तो जो मुद्दत मुकर्रर है वो हर 5 साल के बाद है, कि पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, तो एक शख्स जो है वो सिर्फ इसी पे बिलीव करता है कि खाओ पियो और शादी करो और बस, तो उस शख्स को जो है वो एपिक्यूरियन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेंट लाइन, अब किसी ने सिर्फ इतना ही शेयर किया कि ड्यूरेंट लाइन, अब हमने खुद से ज्यूम करना है कि सवाल क्या पूछा गया होगा। सो ड्यूरेंट लाइन से मुतलिक जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो कि 1893 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2611 किलोमीटर है। सो पॉसिबल आंसर तो यही हो सकते हैं, अभी इन्हीं तीन में से कुछ ना कुछ पूछा होगा ड्यूरेंट लाइन का। यूनियनिस्ट पार्टी जनाब पंजाब में प्री पार्टीशन ये पार्टी बनी थी 1923 में, सिकंदर हयात खान इसके फाउंडर थे। सो आई थिंक इन्हीं में से कोई या सन पूछा गया होगा या इनका फाउंडर पूछा गया होगा। सो दोनों बता दी। नॉन चैलेंट एक वर्ड मिला मुझे, अब हो सकता है इसका मीनिंग पूछा गया हो। तो नॉन चैलेंट का मतलब जो है वो रिलैक्स्ड या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट ऑफ फ्रूगल, तो इसका अपोजिट जो है एक्स्ट्रा वेगेंट हो सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पीपीएससी के पेपर्स में ये आपको इंग्लिश के पोर्शन के अंदर मिल जाएगा। अपोजिट ऑफ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा शख्स जो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता, जिसे आप बैंकक्रप्ट भी कह सकते हैं। तो बैंकक्रप्ट या कह रहे हैं दिवालिया शख्स जो है उसका उल्ट जाएगा। अपोजिट क्योंकि बताना है तो वो वेल्दी या रिच, या मैंने रिक लिख दिया, वैसे रिच मैंने लिखना था, प्रॉस्पेरस यानी खुशहाल, या वेल्दी दौलतमंद, रिच, तो ये इसके पॉसिबल ऑपोजिट्स हो सकते हैं। एफेबल ये वर्ड मुझे मिला, अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम मैं दोनों आपको बता देता हूँ। सिनोनिम इसका जो है एमिएबल या फ्रेंडली हो सकता है, और एंटोनिम जो है वो प्रिकली या अनफ्रेंडली हो सकता है। अब देख लीजिएगा कि सिनोनिम पूछा गया था या एंटोनिम पूछा गया था। हाईएस्ट जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड, तो दो तरह से क्वेश्चन आता है, या एमएस वर्ड की भी पूछ ली जाती है, एमएस एक्सेल की भी पूछ ली जाती है। अगर तो एमएस वर्ड की पूछी गई तो एमएस वर्ड के अंदर हाईएस्ट जूम परसेंटेज जो है वो 500% तक जूम कर सकते हैं। अगर एक्सेल की पूछी गई है तो एक्सेल की 400% तक जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक है जी, रिटन बाय एक बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, विलियम फ्रैंकलिन बिलॉक पे करके कुछ नाम है। ये क्वेश्चन किसी ने शेयर किया था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, वैसे ही तो ये MPA से मुतल्लिक है। बैटल ऑफ कादसिया, जंगे कादसिया जो है वो 636 ईस्वी के अंदर लड़ी गई, 636 ईस्वी अगर हिजरी में पूछा गया तो 15 हिजरी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसीहुल इस्लाम इज द टाइटल ऑफ हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मॉर्टल, तो ये आपने कंप्लीट एक सेंटेंस सुना होगा, मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे आप जी जो फिल इन द ब्लैंक है वो मैन आ जाएगा, मैन इज मॉर्टल। ईगर बीवर मीन्स, तो ईगर बीवर का मतलब होता है एक इंथुजियास्टिक पर्सन, यकीन पर्सन, जो बहुत ही यानी कह लें कि पुरजोश हो, जिसमें काम करने का जज्बा हो, उसे ईगर बीवर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शायरी में इब्तिज़ाल से क्या मुराद है, शायरी में इब्तिज़ाल से मुराद है आमियाना, या कह लें कि आमियाना, या कह लें कि बिलो स्टैंडर्ड जो शायरी है उसे कह सकते हैं। सो ये जनाब क्वेश्चन थे हमारे पास, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।